नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं, और इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी। शेखर जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है, कोई सीरीज चल रही है, कोई पुरानी मूवी चल रही है जिसमें कोर्ट में दो वकील आपस में खड़े होकर के जबरदस्त बहस करते हैं और लोगों को वो मूवी बहुत पसंद आती है। मुझे पहली मूवी जो बचपन की याद आ रही है वो है मेरा साया। ठीक वैसा ही चल रहा है कुछ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, लिकर स्कैम, इन सारे केस में जब जब सुनवाई होती है काफी लंबी होती है, काफी फियर्स होती है, और आज की सुनवाई कुछ वैसी ही थी। एक बहुत ही छोटा कमेंट चाहूंगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, बार बार केजरीवाल की तरफ से एक ही बात की जा रही है, भाई मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, ये फिक्स्ड ये है, इंक्वायरी है। मुझे लोकसभा से पहले अंदर करने का एक ही मकसद है कि मैं जाके कैंपेन ना कर पाऊँ। और जो भी मनी ट्रेल की बात करें, किसी मनी ट्रेल मुझे नहीं ये हो रहा है, मैं माइक में कहीं नहीं आ रहा हूँ, मेरे से कोई सीजर नहीं हुआ है, यही बात लगातार किया जा रहा है। यानी उनकी जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं, और अभी तक कोई सबूत इन्होंने नहीं दिखाया है। लेकिन वहां से ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, भाई कई जो डिस्कशंस में ये थे, 100 करोड़ की ब्राइब मांगी गई थी सो कॉल्ड साउथ कार्टेल ग्रुप से। पैसे आए, गोवा में गए, गोवा में खर्चा हुआ, कुछ पैसे पंजाब भी गया। इसे इनका कहना है भाई कोई फर्क नहीं हुआ है, मतलब काफी तख्ते हैं हमारे पास, और भी पूछताछ करना है, और अभी तक के अरविंद केजरीवाल हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमें हमें इनकी पूछताछ की जरूरत है। इसलिए हम इस वक्त उनको बेल में रिलीज करने के विरोध में हैं। गिरफ्तारी केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए की गई, ये उनका आरोप है। और आज की जो दलील है, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर लंबी सुनवाई हो रही थी, तो शुरुआत ही अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो केजरीवाल के वकील है, उन्होंने इसी से की कि लेवल प्लेइंग फील्ड किल किया जा रहा है। अब मेरा ये पूछना है कि कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कि अरे यार, घोटाले का केस तो चलता रहे लेकिन मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। बिल्कुल, देखिए वही है, और ईडी का ओपोजिशन भी वही है, भाई आप अगर चुनाव के कारण दिखा के आप चुनाव में बड़े पार्टिसिपेंट हैं, कैंपेनर हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम क्राइम की इन्वेस्टिगेशन ना करें, क्राइम को हम ये नहीं करें, क्राइम को लेकर पूछताछ ना करें। चुनाव से हमारे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है, हमारे पास सबूत है, एविडेंस है। हम ईडी कोई चुनाव से लेना देने की बात ही नहीं, यह ईडी की तरफ से पहले दिन से यही कहा जा रहा है, भाई हम चुनाव को मद्देनजर कोई काम नहीं किया है, ना कोर्ट का भी फैसला कोई चुनाव के मद्देनजर होनी चाहिए। और जी यहाँ क्या कह रहे हैं, भाई हमें छोड़ दो, जो ये चुनाव तक हमें बाहर ही रखो, हमें जी खुलासा फ्रीडम दे दो। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं जो ईडी के लिए अपियर हो रहे थे, उन्होंने कहा, जो एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि आप मान लो कि कोई चीफ मिनिस्टर, और वो एक आर्मी की गाड़ी को उड़ा देता है, और वो 2 4 5 दिन 10 दिन पहले चुनाव के पहले उड़ाता है और कहता है कि जी मुझे अरेस्ट मत करो क्योंकि चुनाव आने वाले, हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि भाई ये कैसी एनोलॉजी है, मतलब कोई केस का पैरेलल तो होना चाहिए। तो बहरहाल इस तरीके की एनोलॉजी दोनों तरफ से दी जाती है, जो मुंह में आए कुछ भी बोल दिया जाता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए, लीगली कोई बार नहीं है कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने की, कोई क्राइम एजेंसी जी लीगली नहीं है। पॉलिटिकली हाँ, कई इंटरप्रिटेशंस हैं, और पॉलिटिकली भी कई बार पुलिस हो या अन्य एजेंसीज कभी कभी चुनाव के टाइम में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। देखिए पहले नहीं रहे, और कोई कानून में कोई ये नहीं है भाई चुनाव के टाइम में इनको बस हाथ पर हाथ 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 मिला के बैठना है, ऐसा कोई नहीं है। तो इस बार तो भाई कैबिनेट मीटिंग भी चल रही है मोदी जी की, रेगुलर आज भी था, केयरटेकर होते हुए भी जो चल रहा है। देखिए मोदी जी का क्लियर है, करप्शन केसेस कभी दे शुड नॉट गो ऑन पॉज, जी लगातार उनकी चलती रहनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कोई हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ये प्रधानमंत्री का इंस्ट्रक्शन है। और बाकी डिपार्टमेंट्स, देखिए बाकी लोगों को भी कहा गया है भाई रेस्ट मत लीजिए, 2 महीने में हम फिर वापस आके काम हमें कंटिन्यू करना है। तो जी जब सरकार जो कि देखिए जो सरकार की एटीट्यूड यही है, अवश्य वही स्पिरिट एजेंसीज में आ रहा है। सर, जैसे कि आपने कहा कि जांच एजेंसियां चुनाव के टाइम पे थोड़ा ठंडा हाथ रखती है, राइट? अब कल के इशू को ले लें कि जब संजय सिंह के केस में सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अटैचमेंट के बिना, कोई संपत्ति अटैच नहीं होती है तो पीएमएलए केस का कोई मायने नहीं है। कल ईडी ने उनको आराम से जाने दिया,
जैसे यूं कहते हैं पास दे दिया, लेकिन आज केजरीवाल पर हो रही सुनवाई में उसका जवाब दिया। ईडी ने कहा कि 126 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है, और यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की भी संपत्ति अटैच करना चाहती थी, लेकिन वो दुविधा में है, करें तो चिल्लाएंगे कि चुनाव के टाइम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और नहीं करें तो पूछेंगे कि सबूत कहाँ है। अब ईडी भी मुश्किल में फंसी हुई है, ईडी ने कोर्ट में डायरेक्टली ये बोला कि जी हम दुविधा में। बिल्कुल नीरज जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं नहीं कहूँगा कि ये सरकार की सोची समझी एक स्ट्रेटजी है या ईडी की स्ट्रेटजी है, लेकिन संजय सिंह को इस वक्त बेल पे रिहा करना जब पार्टी लीडरशिप में एक वैक्यूम है और कई नेता असर्ट कर रहे हैं अपने पोजीशन को, जब केजरीवाल की स्वयं धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल अपने आप को एक स्टैंड बाय के रूप में अपने आप को पेश कर लिया है और बयान देना, इंस्ट्रक्शंस ले जाना केजरीवाल से मंत्रियों को, और उस दिन गांधी मैदान रैली में भी आपने देखा कि वो सोनिया से मिल रहे हैं, फ्रंट सीट में बैठे हैं, ऐसे समय में अभी तक कमांड संभाले, कमांड नहीं है, कम से कम देखने के लिए लगता है कि अतिशी और सौरभ भारद्वाजी मैनेज कर रहे हैं, गोपाल राय को बीच बीच में बैठ ही हम देख रहे हैं कहीं ये नहीं। ऐसी समय में एक वैक्यूम हो रहा है लीडरशिप की, और दूसरी केजरीवाल का कोई अभी निकलने का कोई संभावना दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी समय संजय सिंह बाहर आना, हाँ अवश्य उन पर कंडीशंस है पॉलिटिक्स, यानी अपने केस पर बात नहीं करेंगे या इस केस पर बात नहीं करेंगे, कोई विटनेस को ये नहीं करेंगे, सब कंडीशंस है, जी, दिल्ली लेकिन दिल्ली एनसीआर से भी बाहर नहीं जा सकेंगे। हाँ जब इस समय बाहर आ रहे हैं अवश्य आम आदमी पार्टी के अंदर आप देखेंगे कुछ समीकरण बदल सकते हैं। क्या यही उद्देश्य था उनको रिहा करने का, वो मैं कुछ कह रह पाऊंगा क्या, क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक ऐसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संजय सिंह का इस वक्त जब आम आदमी पार्टी में एक लीडरशिप की वैक्यूम है और क्राइसिस है, और ही बीइंग अ वेरी स्ट्रांग पॉलिटिकल पर्सन, बड़े स्ट्रांग पॉलिटिकल पर्सन है, तो मुझे लगता है इनका बाहर आना इस समय में आम आदमी पार्टी के जो पावर बैलेंसेस है उस पर कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट हो सकता है। सर एक मुद्दा उठा था कि आम आदमी पार्टी कंपनी नहीं है, ये एक राजनीतिक दल है, इसलिए ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 70 से बाहर है, जिसके तहत यूजुअली कंपनी को अभियुक्त बनाया जा सकता है। अब उन्हीं की बातों से ये कई बार लग रहा है कि वो खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि था इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ था। ठीक है, एक्सेप्ट क्या है वो तो समझ गए हैं कि कहाँ फंसे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी के लीडरशिप को बिल्कुल पता है कि हम कहाँ फंसे हैं, और अरविंद केजरीवाल का इतना दिन रजिस्ट करना ईडी के सामने जो जाने के लिए जाने से अपने आप को ही थोड़ा वंचित रखने की कोशिश जो है वो यही कारण से है कि उनको, क्योंकि जो संजय सिंह केस में जो चीज़ें सामने आई, जो मनीष सिसोदिया केस में सामने आई, और बाकी जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, अरोड़ा हो या विजय नायर हो, इनके सारे से लग रहा था कि भाई ये जिस तरह ये चीजें हैंडल हुई तब कहीं ना कहीं पार्टी मशीनरी पूरे सामने आ गई, पैसे के रूट भी आ गया, और कई चीजें भाई कबूल की गई है भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और कई जगह पे बड़ी ट्रेल भी इन्होंने पेश किया ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो जी इनको पता है कि प्रॉब्लम है, और ईडी ने भी बार बार कहा है भाई अगर आम आदमी पार्टी ही इसकी पूरी ये किया, जब लीडर्स की है लीडरशिप का मालूम है तो आम आदमी पार्टी पर भी केस बनता है। सवाल यह भी है कि किसी तरीके से पार्टी को बचा लिया जाए, आदमी फंसे या फंसे पार्टी को बचा लिया जाए। अब ऐसे में सिद्धार्थ लूथरा एक सीनियर एडवोकेट है जो पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं 2014 से पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में वो कहते हैं कि अगर कुछ गलत पाया गया तो पीएमएलए की सेक्शन 70 के तहत पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कार्रवाई हो सकती है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, जब मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का आता है तो आप कहते हो कि वहां पे दोषी पाई गई अगर कोई पार्टी, तो उस पार्टी के अध्यक्ष, उस पार्टी के चीफ और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और वो पार्टी खुद भी, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की आती है तो अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में खड़े होकर के कहते हैं कि जी चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है, दिस इज नॉट अ कंपनी, तो इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि एएसजी ने जवाब दिया कि पीपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल है एक पॉलिटिकल पार्टी और इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पीएमएलए की सेक्शन 70 के तहत कार्रवाई हो सकती है। एक ही कुनबे से निकले हुए दो वकील, एक ही टेम्परामेंट के, एक ही यूं कह लीजिए कि आइडियोलॉजी को फेवर करने वाले, एक ही पार्टी का केस लड़ने वाले, और उन लोगों में अलग अलग केस में एक ही पॉइंट पे अलग अलग बयान देते, ये नहीं कितना डबल स्पीक है। देखिए ये डबल स्पीक का मामला नहीं है,
मैं देखिए, कोई भी वकील अपने क्लाइंट की के लिए लड़ता है, अपने जी क्लाइंट की बात रखता है, उस केस के अलावा उसकी कोई जनरल पोजीशन या व्यू हो वो अलग है, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टन सिचुएशन एंड कंडीशन। लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वकील की कुछ भी राय हो, लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है, एक आम नागरिक के तौर पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अभी तक कुछ सबूत नहीं है, सब मतलब अभी तक साबित कुछ पेश नहीं हुआ है, जी सबूत भी नहीं हुआ है। जी लेकिन यहाँ पे ये तो कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं है ना, ये सीधा भाई पेमेंट हुआ है, पैसे जी आए हैं, पैसे खर्च हुए ऑन द जी बेसिस ऑफ ए पॉलिसी ट्वीक गिवन बाय अ गवर्नमेंट। तो इसमें प्रोविजनल करप्शन भी आ गया, क्योंकि पैसा ट्रेल है तो पीएमएल ले आ गया। सर, मूव करते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पर। ये भी चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। मुद्दा है वीवीपैट का। वीवीपैट एक, अपने दर्शकों के लिए बताता हूं कि ये एक ऐसी स्लिप है, जब आप वोट डालते हैं तो एक पर्ची निकलती है और उस पर्ची में दिख जाता है कि आपने जिस पार्टी को वोट किया है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वही पार्टी की स्लिप निकली है कि नहीं निकली है। अब ये वीवीपैट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी। जो जिन्होंने याचिका दायर की थी उन्होंने कहा है कि इसकी सुनवाई और इस पर फैसला चुनाव खत्म होने से पहले आ जाना चाहिए। किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, आप इस मसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नुकसान फायदा का नहीं है, ये लॉजिस्टिक्स की बात है। जी क्योंकि अप्रैल 8 तारीख 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को कि भाई जितने नंबर ऑफ वीवीएम्स है, मतलब सब्जेक्ट वीवीपैट, वो आप ऐसा कीजिए कम से कम एक अभी रखें, एक असेंबली सेगमेंट में आप उसको 5 कर दीजिए। उस हिसाब से ही मामला चल रहा है। आप उस देखिए, सरकार ने भी कहा था भाई हमने 5,000 करोड़ अलॉट किए कम से कम 26 लाख वीवीपैट्स के लिए, लेकिन अभी तक केवल 20,000 वीवीपैट्स का वेरिफिकेशन हो पा रहा है। तो इसलिए मामला यही है भाई, इनका पेटिशनर का जो कह रहा है भाई डिस्क्रपेंसीज है वीवीपैट मशीन और ईवीएम का, इनका मतलब इसमें कुछ ये है। लेकिन ये मामला पहले भी आ चुका है कि केवल अब 5 की जगह 10 कर देंगे, क्योंकि अभी अभी ऑर्डर जो दिया गया है उतने ऑर्डर नहीं आया है। बिल्कुल देखिए, इलेक्शन कमीशन तो कहेगी भाई हम तो चाहेंगे हर बूथ में होनी चाहिए, ताकि वोटर वोट डाले, अपने स्लिप को देके स्लिप पे दिखा देगा भाई जिसको आपने वोट किया उसमें रजिस्टर्ड है। लेकिन उतने वीवीपैट मशीन अभी अवेलेबल नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 19 में कहा था उतना है कि 5 वीवीपैट मशीन है, वो कई जिस बूथ में लगते हैं उसके अलग से काउंटिंग होती है और वीवीपैट से चेक होता है। तो ये मुझे नहीं लगता है इसका कोई इमीडिएट फैसला हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई। जी सर, इसमें दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि वोटर 100% वेरीफाई करेगा, एक ये मामला है। या दूसरा ये मामला है कि अगर 100% वोटर वेरीफाई कर ले तब भी गिनती के टाइम पे दोनों की गिनती साथ में होनी चाहिए। देखिए, अगर आप वीवीपैट सिस्टम को पूरा 100% कर दे दो, मुझे नहीं लगता है कि आसानी से अगले 5-10 साल में पूरा आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जी 5 जगह की बात हो रही है, पहले एक का था, अभी 5 में हो रही है। और देखिए, जैसे ही ये बढ़ेगा तो बिल्कुल डिले होगा, क्योंकि जब ईवीएम को काउंट करेंगे फिर वीवीपैट को देखेंगे, उतने वीवीपैट प्रेस करेंगे तो वो वीवीपैट दिखाना चाहिए भाई, इतने इस मशीन में इतने वोट फलाना पार्टी के लिए गया है, उतना वीवीपैट दिखा रहा है। देखिए, पार्टियां क्या हुआ है, देखिए पहले तो ये बात नहीं थी, ईवीएम पे ट्रस्ट था। जब चुनाव हार जाते हैं तो पहले एक बहाना से शुरू हुआ भाई, इसके वजह से हुआ, बार बार हुआ है, बिल्कुल लगातार हुआ है। लेकिन पार्टीज भी जानते हैं कि ईवीएम इतना इजीली हैक नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन है, अभी इस बार भी उन्होंने एक मिथ और रियलिटी का एक अलग वेबसाइट करके ये कर रहे हैं भाई, जितना भी डाउट्स हो ईवीएम को लेकर आप इस पे जाके पूछ लो क्या है, कैसी ये होता है। देखिए, बहाना, देखिए हर पार्टी जो विपक्ष, कोई पार्टी जो हार जाती है अपने कैडर के मनोबल को बरकरार करने कहती है भाई नहीं हम तो जीतने वाले थे लेकिन ईवीएम गड़बड़ हो गया, फलाना पार्टी को ब्लेम करते हैं, मैनिपुलेट किया। मैं बताऊं नीरज जी, 2009 में जब बीजेपी हार गई थी इंडिया, जब अडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके, तो एक सेक्शन था बीजेपी में, बड़े नाराज थे नहीं इसमें मैनिपुलेशन हुआ है। और उसपे आप जानते हैं जीवीएल नरसिंह राव किताब भी लिखे भाई कैसे ये ईवीएम को मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन पार्टी के अंदर फिर जब बात बढ़ी तो पार्टी ने ही, पार्टी के सीनियर लीडर्स ने ही एडवाइस किया कि जीवीएल नरसिंह राव को भी भाई इस बात को हम आगे ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तो इसमें हो सकता है। देखिए, दो बातें, एक टेक्निकल ग्लिचेस एक चीज है, कोई भी मशीन आपके लैपटॉप से आ शुरू करके आपके मोबाइल फोन तक ग्लिचेस होते हैं, ग्लिचेस अलग है, कई मशीन दबाने से नहीं आता, कभी कुछ प्रॉब्लम है, मशीन का ग्लिचेस अलग है। लेकिन एक्चुअल ईवीएम मैनिपुलेशन, इतने जगह इतने पोलिंग सेंटर्स हैं,
हर पोलिंग सेंटर में इस तरह की बातें हो सकती है, ये तो वर्चुअली नामुमकिन है। तो ऐसी चीजों को भी समझना चाहिए। देखिए क्या होता है, जहां ग्लिचेस आती है, एक कोशिश होती है जो 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 पार्टी उसको नहीं लगता भाई हम जीत नहीं पाएंगे, भाई टेक्निकल ग्लिचेस को ही वो दिखाते हैं ईवीएम मैनिपुलेट हुआ है। जब जेबीएल साहब ने किताब लिखी थी, उस किताब के बाद बहुत सारे मैनिपुलेशन के प्रैक्टिसेस सामने आए थे कि इस तरीके से आप वोटिंग आवर्स बढ़ा करके एंड में आप केवल अपने लोगों को जाने दे करके बहुत तरीके से आप वोटिंग करवा सकते हैं। अब जब बात वोटिंग करवाने की है, वोटिंग आवर्स बढ़ाने की है, तो उसमें फिर ईवीएम और वीवीपैट का क्या मैटर आता है? मेरे ख्याल से जिसको जो करवाना होगा मैनिपुलेशन, वो हर जगह होता है, और जो भी पार्टी या तो पावर में होती है या फिर जिस पार्टी का दबदबा होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो कोई ना कोई तरकीब नहीं निकालेगी निकालेगी। धीरज ऐसा बिल्कुल जी, नहीं होगा कि जिस दिन ईवीएम और वीवीपैट का मिलान 100% होना चालू हो जाएगा, जो कि 4-5 दिन लगेंगे रिजल्ट आने में, उस दिन ये सारी गड़बड़ियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि गड़बड़ियों में कोई भी आदमी ईवीएम में गड़बड़ी करके वोट नहीं जीतता, ये जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब में भी अच्छी तरीके से मेंशन था, जितना कि मुझे याद है, जो रेलेवेंट पोर्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अब बाकी जो फैक्टर्स है ना भाई, लास्ट मिनट में क्यूअप कर लो बूथ सामने, बिल्कुल या जो ब्राइबरी है वोटर्स को पैसे देकर फिर कहते हैं भाई पहले, या तमिलनाडु में तो कई जगह पे चिट दे देते हैं, जी स्लिप, जो पैसे नहीं दिया जाता, एक चिट दिया जाता है, चुनाव होने के बाद फलाना दुकान में जाके उतने चावल ले जा सकते हैं, प्रोविजंस ले जा सकते हैं, या कई जगह पे वो स्लिप के एक्सचेंज में पैसे आ जाता है। देखिए वो सब अलग है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ मशीन पर से फलाना पार्टी ए को दब, आप ए को वोट करना चाहते हैं, वो बी को रजिस्टर हो रहा है, वो होता है ईवीएम की हैकिंग। जी जी उसका जी संभावना आज की तारीख में टेक्नोलॉजी जो इस तरह है, जो प्रिकॉशंस लिए गए, ये आज संभावना नहीं है। अब चलते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी और उनकी जो प्रतिद्वंदी हैं, डी राजा की वाइफ एनी राजा, दोनों ने आज अपने पर्चे दाखिल कर दिए। क्या आपको दिख रहा है वहां पे फाइट? राहुल गांधी को वायनाड में पिछले बार अच्छी मार्जिन मिली, 4 लाख कुछ मार्जिन से उन्हें जीते थे, तो एक वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन्स विच राहुल गांधी वन, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट। अब इस बार स्थिति क्या है कि पिनराई विजयन के नेतृत्व में जो लेफ्ट फ्रंट है केरल में, वो नहीं चाहती भाई, पिछले बार जो हुआ था 2019 में, जो वामपंथियों को बहुत बड़ा धक्का हुआ था, कांग्रेस लेड यूडीएफ जो है वो 20 सीटों से 19 जीत ली एक ही छोड़ के। अब पिनराई नहीं चाह रहे हैं भाई वो ही रिपीट हो जाए, क्योंकि वो अगर रिपीट होता उनकी बेस फिर शेक हो जाएगा, क्योंकि तो 21 में ही मैनेज टू ब्रिंग सीपीएम टू पावर अगेन, एक एक साइकिल को उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि केरल में सरकारें रिपीट नहीं होती थी पिछले 35 साल में ऐसे रिपीट नहीं हुई है, लेकिन पहली बार 2021 में पिनराई विजयन वामपंथियों को फिर दोबारा सत्ता पे लाया अपने नेतृत्व में। तो इस बार पिनराई विजयन का एजेंडा है कि वामपंथी पार्टी केरला से जितने सीट जीत सके जीतना है, और कांग्रेस के लिए भाई ऐसा है, राहुल गांधी मानते हैं भाई वायनाड तो मेरे अच्छी मार्जिन से मिली है, मैं तो बार बार गया हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं छोड़ नहीं सकता। अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि राहुल गांधी उत्तर भारत से यानी उत्तर प्रदेश के अमेठी से लड़ेंगे ना लड़ेंगे, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। अब वायनाड डिफिकल्ट सीट हो गया है, और अन्नी राजा को खड़ा करके पिनराई विजयन और वामपंथियों ने भी बड़ा खेल कर दिया, तो राहुल जी के लिए ही कांट टेक इट लाइटली। अच्छा इसमें बीजेपी ने भी क्या किया, अपने केरला के अध्यक्ष सुरेंद्रन को कैंडिडेट कर दिया। बिल्कुल अच्छा वो कॉन्स्टिट्यूएंसली मुस्लिम मेजोरिटी है, कम से कम 70-77% मुस्लिम्स है वहां पे, 77 से ऊपर है, जी तो अगर माइनॉरिटी वोट डिवाइड हो जाए, क्योंकि वामपंथी भी काफी इनरोड्स किए वामपंथी मतलब मुस्लिम सपोर्ट में, तो अगर मुस्लिम सपोर्ट डिवाइड होती है और बीजेपी अपने हिंदू वोट, जो भी वोट क्रिश्चियन वोट को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो 30% से, तो बीजेपी किसको वोट कम करेगी किसको वोट को बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के एक जरूर कह सकते हैं कि वायनाड का जो चुनौती आज है वो किसी के पक्ष में निश्चिंत नहीं दिखाई दे रहा है, जो जी हम पिछले बार कह सकते थे, क्योंकि सीपीआई कैंडिडेट भी बड़ा वीक कैंडिडेट था और वामपंथियों को ओवरऑल इमेज केरल में थोड़ा डिप्रेशन हुआ था, तो अब लग रहा था भाई राहुल ने सेफ सीट चुन लिया, वही सेफ सीट जो 19 में सेफ सीट है आज उतना सेफ नहीं है 2024 में। जी जी सर, अब चूंकि वायनाड की बात चल रही है,
और राहुल गांधी एक ऐसे सीट से लड़ रहे हैं जहां पे 77% मुस्लिम मतदाता है, माइनॉरिटी है। तो क्या ये मान करके चला जाए कि कांग्रेस को अब सेफ हेवन जो है वो माइनॉरिटीज में ही दिखता है और वो माइनॉरिटीज की पार्टी बन के रह गई है? देखिए, ये तो एक सोची समझी उन रणनीति है कांग्रेस की। जी जो रणनीति काम में आया कर्नाटका पे, जो रणनीति तेलंगाना में भी उनको रिजल्ट दिया, जी तो इनको लगता है भाई जहां पे माइनॉरिटी संख्या 20% 15-20% है, तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी उनको अच्छा। कर्नाटक में तो पूरे पूरे ले लिए ना, जी 15-20% पूरा आ गया था कांग्रेस को। बिल्कुल इसलिए वोट नंबर ऑफ सीट्स जिनको जो उनके पास जो जो वो जीते वो काफी बढ़ गई। तो जहां ये नंबर ज्यादा है तो इनके लिए काम है। लेकिन ये भी बात है, देखिए लगातार ये स्ट्रेटेजी माइनॉरिटी सामने रखते हुए, लेकिन उसमें दावेदार ज्यादा है। देखिए कांग्रेस अकेले नहीं है उधर, बिल्कुल अब बाकी नॉन सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं। अब जी तेलंगाना भी ले लीजिए या उत्तर प्रदेश ले लीजिए, भाई आप एक ही वहां पे ये नहीं हो कि भाई आपको ही सब मिलेगा। बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में तो वो 30% मुसलमान के वोट में लेफ्ट फ्रंट भी उसके दावेदार है, तृणमूल तो है ही पहले से, जी कांग्रेस भी वहां पे है। जी सर, मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था कि इनको जो रिफ्यूज मिला था और जो सबसे बड़ी जीत मिली थी, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो था वो केरला में था। अगर वो जीत, वो स्ट्राइक रेट की हिस्सेदार अगर लेफ्ट पार्टी हो जाती है इस बार, तो जो पिछली बार 50-55 सीट मिली थी वो शायद घट करके 30-35 तक भी हो सकती है अगर सिचुएशन वही रही तो। पहली बात। दूसरी बात कि अब माइनॉरिटीज के दम पे अगर ये सोचती है कांग्रेस कि हम चुनाव जीत जाएंगे और केंद्र में सरकार बना लेंगे, तो आपको भी मालूम है वो कितना मुश्किल है इस कंट्री में। बहरहाल दूसरे मुद्दे पे आते हैं सर। दूसरा मुद्दा है विजेंदर सिंह, जो पहलवान है, उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो गलत है उसको मैं गलत कहूंगा। अब इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्पणी की थी एएनआई की एडिटर ने, स्मिता प्रकाश। उन्होंने ट्वीट किया कि एक बॉक्सर ने ज्वाइन किया तो दूसरा बॉक्सर बड़ा दुखी होगा आज। शायद उनका हिंट राजदीप सरदेसाई की बॉक्सिंग स्किल से था जो उन्होंने न्यूयॉर्क में दिखाया था। बट इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? नहीं, विजेंद्र सिंह आना बहुत बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए, क्योंकि विजेंद्र लगातार मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ये रेसलिंग मामले में वो महिला के पक्ष में और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाए, जी और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुए। तो ऐसे एक व्यक्ति 24 आवर्स में अपने पोजिशन चेंज किए, और ये कह के कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने काफ़ी सपोर्ट्स के लिए किया है और काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब देखिए, एक जो एक क्रिटिक था स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, क्योंकि बार बार कांग्रेस कहती थी भाई आप महिला की क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वुमेन के साथ बहुत अन्याय हुआ। जो लोग आवाज़ उठा रहे थे वो अगर आज प्रधानमंत्री को समर्थन दे रहे, मैं बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता भाई कैसे हुआ, उनको क्या क्वेश्चन, वो अलग बात है। देखिए हर पार्टी मैनेज करती है ते अपने पास बेस्ट क्रिटिक आ जाए जो ऑपोजिट के, या अपने क्रिटिक को ही साइलेंस कर दे, एक एक टैक्टिक्स है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र सिंह जैसे लोग क्यों गए? तो ये इससे मतलब ये बड़ा क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस की चुनौती ज्यादा ही है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, लेटेस्ट संजय निरुपम का प्रॉब्लम था भाई, उद्धव ठाकरे यूनिलेटरली अनाउंस कर दिए, कांग्रेस ने भी नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ वेस्ट सरेंडर कर दिए, बड़े नाराज थे। अब कल तक वो स्टार कैंपेनर लिस्ट में थे संजय निरुपम, आज जी महाराष्ट्र कांग्रेस ने रेकमेंड किया उनको एक्सपल कर दो संजय निरुपम को। और बिल्कुल उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, भाई देखिए इस तरह हमारी लोग मतलब हमारी गठबंधन की लोग हमारे खिलाफ बोलते जाए, अभी तो हम चुप है, हम कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, संजय निरुपम का भी शुरुआत शिवसेना में हुआ था, बिल्कुल जो सामना की हिंदी एडिशन के एडिटर थे, ये बिहार को बिलोंग करते हैं लेकिन काफी समय मुंबई पॉलिटिक्स किए हैं। तो आज संजय निरुपम जैसे नेता भी बड़े अपसेट हैं कि भाई किस तरह कांग्रेस इतनी कॉम्प्रोमाइज कर दी है, और उद्धव ठाकरे कॉलिंग द शॉट्स, उसकी बात मानना पड़ रहा है। इसका मतलब महाविकास आघाड़ी में किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की प्रॉब्लम्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक हमारे दर्शकों का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुभ रात्रि। नमस्कार।